हाय गाइस वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम चार लोग बिताने वाले अपने पूरा दिन इस वाटर पार्क में। चलो देन रहती है, हमेशा सही हो ही जाता है। जस्सी वगैरह जा रहा है भाई ऊपर दोबारा से राइड करने। जाओ ए, बढ़िया से रिकॉर्ड करियो। लेट्स गो टू दिस। बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा, मजा आ गया एक बार किया। अब ये नहीं पता चश्मा वश्मा टूट गया नहीं है, मेरा तो नहीं है। चलो देखते जो करो भाई। ओके ज्यादा स्पीड में जा रहा कुछ। मौसम ने साथ दे दिया भाई यार। ओ यार गूता आएगा, ऊपर ही कर रखते हैं पैर ऊपर। मस्त मौसम हो गया, अब ये करेंगे। चलो थोड़ी सी देर रख पैर, बिल्कुल अपने साथ हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता भाई। उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि यार तू ये राइड कर कर कर, बट मेरे अंदर एक ऐसा होता है कि हमेशा से मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा फोबिया है, तो मैं हाइट वाली कोई भी राइड करने से पहले बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। तो इधर भी सेम सीन हुआ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, बट उसके बाद स्टिल एक मेरे माइंड में थॉट आया कि चलो कोई बात नहीं, इस बार हम लोग ये ट्राई करके देख ही लेते हैं। मेरे से ज्यादा कोई हाइट से नहीं डरता होगा, बट ये मैंने किया। और सीरियसली बताऊं, मैंने कुर देव क्या बोला था, मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं। मैं ब्लैंक आया, और एक चीज़ और होती है कि जितना ज़्यादा तुम इस राइड को करते जाओगे ना, तुम्हारे लिए और उतना ज़्यादा इजी होता जाएगा। मतलब विद एवरी चांस हर एक राइड के बाद तुम्हारा डर बिल्कुल ज़ीरो होता जाएगा। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे डेंजरस राइड थी वो भी करी जाए। जैसे लास्ट वाले पार्क की तरह बहुत ज़्यादा ऊंची वाली राइड तो नहीं थी, बट स्टिल यहाँ के अकॉर्डिंग जो सबसे डेंजरस राइड थी। फिर मैंने और हनी ने दोनों ने थोड़े से गट्स दिखाए और हम दोनों यहाँ से गए और हम दोनों ने वो राइड करी। और उसके बाद हम लोग का एक्सपीरियंस देखो ज़रा। कुछ नहीं करेगा, हिलियो मत, हिलियो मत। It was
at this moment that he knew. He fucked up. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. ये हन्नी के चक्कर में डर रहा है। पता है मारन क्या हुआ है? कुएं अंदर तो कुएं के ऊपर से पार। भाई ऑडियो का मेरे को नहीं पता कैसी आ रही होगी क्योंकि मैंने कोई माइक नहीं लगा रखा और केस चढ़ा रखा ऊपर से। और हम मतलब ऑलमोस्ट सारी राइड्स हमने कर ली जितनी हो सकती थी और हमने तीन तीन चार चार बार करी। मजा इसी में ही था। खैर और ये हरकतें कर रहा गोलू कैसे पलटे? बढ़िया मजा आया। खैर वो पलटने में ही चले चल हम लोग करने जा रहे हैं रेन डांस। वो डांस तो खैर करना नहीं, मौज ही लेनी है। बाकी राइड बहुत सारी है, वेव हमने करी नहीं। जाते हैं यहाँ से एडवेंचर पार्क में क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया। एक बार इक्वर वो ऊपर वाली या एक उनमें से कोई एक करके आते हैं फिर निकलते हैं। यहाँ तक का व्लॉग देखो सीरियसली बहुत ज्यादा इजी था क्योंकि इसके आगे जो होने वाला था वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट काम था। इवन दो जो हमसे जो अथॉरिटी थी उन्होंने साइन करवा लिया कि अगर आपको इस राइड करते हुए कोई रिस्क होता है तो वो टोटली आपके ऊपर है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितनी तगड़ी राइड होने वाली है। डर तो तुम्हें लगता नहीं है, ना इसको ना इसको, दोनों एक जैसे भाई। इसकी पैंट फट गई, चट लगा ले। सो पूरा शूट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हमने कर लिया। काफी मजा आया, बहुत ज्यादा ही काफी मतलब। एंड क्योंकि इधर एक चीज का वो था कि स्नो पार्क, वाटर पार्क और नेचर एवरीथिंग सब एक ही जगह पे है। तो आज तो मतलब हमने खूब मजे करे, हमने एडवेंचर पार्क और वाटर पार्क पूरे अच्छे से एक्सप्लोर किए। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर। चैलेंज वीडियोस ही आएंगी अभी फिलहाल, बट ये एक व्लॉग डाल दिया, ये एक्सेप्शन था। और हम नहीं कह रहा मैं अंकल जितनी दूंगा।